नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जुलाना के करेटी गांव में खड़े हैं। मैं आपको बताऊंगा, यहां एक व्यक्ति द्वारा जो है 450 एकड़ की जो पराली इकट्ठी की गई थी, उस पराली में अचानक आग लगने से उस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम पंजाब केसरी टीवी के ऊपर हम आपको लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जुलाना के खरेटी गांव में एक व्यक्ति द्वारा यहाँ 450 एकड़ जो जमीन है, जो एकड़ जो किले हैं, उनकी पराली जो है यहाँ पर इकट्ठी की गई थी और उस पराली में अचानक आग लग गई है और आग लगने से इस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान इस वक्त हुआ है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम आपको जुलाना के खरेटी गाँव से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा 450 एकड़ की पराली यहाँ पर इकट्ठी की गई थी, जिसमें अचानक आग लग गई और आग लगने से इस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम आपको एक फिर बताएं, आग की सूचना जुलाना फायर ब्रिगेड विभाग को भी दी गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर यहां पर पहुंची है। उसके साथ साथ जींद से भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर बुलाई गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव शॉट, ये पंजाब के सीडी के ऊपर जो व्यक्ति है, उसकी जो 450 एकड़ की जो पराली थी जुलाना के खरेटी गांव में, उसमें अचानक से आग लग गई है और आग लगने से इस व्यक्ति को लाखों रुपए का इस टाइम नुकसान यहां पर हुआ है। दो व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, ये बात कर लेते हैं इस व्यक्ति को कितने का नुकसान हुआ और किस तरह का ये काम कर रहे जी, क्या कहेंगे, कैसे आग लगी है ये भी? ये जी, हम खेत में पानी लगा रहे थे जी, और वहाँ से हमें धुआं उठता हुआ दिखाई दिया जी, और यहाँ आके देखा तो आग बड़ी जबरदस्ती जलन लग रही थी। कितना ब्रिगेड आई, इसमें 70-80 लाख रुपए का लगभग नुकसान हुआ है। जीविका का कुछ और भी साधन था इसका? जीविका का एक बंदा का तो कोई जीविका कोई दूसरा साधन नहीं थी, मजदूरी करता था और इसी तरह का काम धंधा करके वो अपना काम चला रहा था। ये मजदूरी है। सरकार से किस तरह की मांग करते हो आप, इसको इतना नुकसान होगा? सरकार से हम मांग करते हैं इसके नुकसान की ज्यादा से ज्यादा भरपाई करें, क्योंकि दोनों गरीब थे, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चों का पालन पोषण का ये एक ही साधन था इनका, जिसमें आग लगी है। हाँ, जिसमें पराली में आग लगी है, इन दोनों का इसी के साथ बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई पूरी सब इसी पर चले आए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं इनकी भरपाई ज्यादा से ज्यादा। देखिए, आपने जो लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से ये लोग मांग करते हैं कि इस गरीब व्यक्ति की थोड़ी सी मदद की जाए, ताकि अपना जो आगे का बच्चों का गुजर बसर जो है आराम से कर सके। एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे जुलाना के, इस वक्त हम खरेटी गांव में बने हुए, जहां पर 450 एकड़ की जो पराली थी उसमें अचानक से आग लग गई और इस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हम आपको बताएं, आग की सूचना तुरंत जुलाना के फायर ब्रिगेड विभाग को भी दी गई, जहां से एक गाड़ी यहां पर पहुंची है और उस गाड़ी पर आग जो है काबू नहीं हो सकी, तो उसके बाद जींद से भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस वक्त यहां पर पहुंची है। मैं आपको जुलाना के खरेटी गांव से, ये आपको पंजाब के सीरी टीवी के ऊपर हम लाइव शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से इस व्यक्ति की पराली में आग लग गई और ये लाखों रुपए का नुकसान यहां झेलना पड़ रहा है। यहां पर खड़े व्यक्तियों का कहना है कि इस आदमी की जो है यही एक जीविका का साधन अब बिल्कुल जो है नष्ट हो गया है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, इस वक्त हम आपको पंजाब के सीरी टीवी के ऊपर हमको लाइव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहां इस किसान को 450 एकड़ की जो पराली थी वो यहां पर रखी हुई थी, उसमें अचानक से आग लग गई। इस वक्त हम आपको जुलाना के खरेटी गांव से ये हम आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस किसान की 450 एकड़ जो पराली थी उसमें अचानक से आग लग गई है और लाखों रुपए का इस व्यक्ति को नुकसान हुआ है। इस वक्त मौके पर जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी जो है यहां पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है। हम आपको पंजाब केसरी टीवी के ऊपर ये लाइव तस्वीरें हम आपको जुलाना के खरेटी गांव से दिखा रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान इस वक्त हुआ है। यहाँ पर खड़े लोगों का कहना है कि इस व्यक्ति के पास जीविका का मात्र एक यही सहारा था और काफी दिनों से पराली के साथ ही अपना कारोबार कर रहा था और इसमें अचानक से आग लगने से इसे लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो आग से कुछ पराली को बचाने की जो है ग्रामीण द्वारा कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक मशीन जो है लगातार यहाँ पर चल रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक मशीन जो है लगातार पराली को हटाने का काम कर रहे हैं ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। इस वक्त हम आपको पंजाब केसरी टीवी के ऊपर लाइव तस्वीरें हम आपको जुलाना के खरेटी गांव से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से इस 450 किलो की जो पराली थी, जो एकड़ की पराली थी, उसमें आग लग गई है। ये देखिए, लगातार जो है ग्रामीण यहां पर लगे हुए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है।
इतना ही नहीं, हम आपको बता दें यहाँ जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। एक ब्रिगेड जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो जींद से है और दूसरी जो गाड़ी है वो जुलाना से है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये देखिए जो आग है इनके ऊपर को शायद बिजली की लाइन गुजर रही है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट से भी आग हो सकती है, लेकिन ये तो आग जो है बुझने के बाद कल ही पता चलेगा कि कारण क्या रहा। इस व्यक्ति को 450 एकड़ की जो पराली थी वो जलकर इसकी जो है राख हो गई है और लगातार आग जो है वो इस वक्त भी दहकती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम आपको पंजाब के सीटी टीवी के ऊपर लाइव तस्वीरें हम आपको जुलाना से ये दिखा रहे हैं जहाँ 450 एकड़ की जो पराली है किसान की वो जलकर राख हो गई है और लगातार जो है पिछली साइड में एक मशीन के सहारे इस आग से बची हुई पराली को एक साइड में करने का काम इस वक्त यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा जो है लगातार किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको जुलाना के खरेटी गांव से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहाँ जो है भीषण आग इस वक्त लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। इस वक्त हम आपको ये सारी तस्वीरें जो है जुलाना के खरेटी गांव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उसके द्वारा जो है पराली इकट्ठी की गई थी जो काटकर राजस्थान में सप्लाई ये लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसमें आग लग गई है और इसको लाखों रुपए का नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।